गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? और अभिभावक महोदय को भी नमस्कार। आप बच्चों को पेशेंस के साथ उसे बैठाएं, बच्चों को बैठाएं अपने पास प्रेम से और गोद में लेकर करके जैसे निर्देश दिया जा रहा है वैसे अपने समय को बच्चों के साथ बिताएं। देखिए, हम लोग बच्चों को लिखाने में बड़ा पेशेंस रखते हैं और आप भी रखिए उसी तरह से। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ बच्चों को लिखाने के लिए। तो आज है ई, और नज़दीक आ जाइए। ई, ई कैसे हम लोग लिखेंगे? ई देख रहे हैं ना, ई, ई से ईख या ई से इमृति होता है। तो ई आप हिंदी के दो लाइनों का प्रयोग करिए, ये दो लाइन है ना, और उसको बच्चों को ऐसे एकदम फ्री अपने गोद में बच्चों को बैठा लीजिए। बैठाने के बाद सही दिशा में, गोद में बैठाने के बाद सही दिशा में हल्के हाथ धर कर करके और जोर जोर से बोल करके दिखाना है ना, बात समझ गए ना। एकदम बच्चों को प्रेम से गोद में बैठा लीजिए, आगे कॉपी को रख दीजिए और सुंदर ढंग से लिखिए, है ना। ये दो लाइन देख रहे हैं ना, हिंदी के दो लाइन, और यहाँ से स्टार्ट करिए। ई ऊपर से स्टार्ट करना है, ई ऐसे ऐसे ऊपर से, देख रहे हैं दो लाइन, ई कौन ही हर्ष ई, है ना, कौन ही हर्ष ई ऐसे, है ना। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे स्टार्ट कीजिए, यहाँ से ऐसे हल्का ये निकलेगा, ये जो है हल्का यहाँ से और ऐसे आएगा, माने इसमें हल्का टच करेगा। देख रहे हैं क्या चीज, यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके हल्का निकालना है। ई दोनों लाइन में सटना चाहिए, टच होना चाहिए। तो इस तरह से दो लाइन में हम ई लिख देंगे, दो लाइन में टच होगा। ये देख रहे हैं हिंदी के दो लाइन, ये दो लाइन, तो ये दोनों लाइन में टच होगा, ये हल्का निकलेगा, ये पार्ट्स को थोड़ा सा और ऐसे कर करके टच करेंगे, है ना, ये टच हो जाए। तो ये आप क्या लिखे, ई देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा ई लिख दिए हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे, ई क्या चीज है, ई है। अब मैथ में हम थ्री लिखेंगे, थ्री वाटर। तो अब ई जो है, ई से क्या होता है, तो उसको पहले हम लोग देखें। ई से ईख होता है, ई से क्या होता है, ईख होता है, होता ना, ई हर्ष ई ना है, तो हर्ष ई से इमृति हम लोग करेंगे, ठीक है, हर्ष ई से इमृति। अब ये देख लीजिए कि हम दिखा रहे हैं आपको, या इमली, ई से इमली। तो देखिए ई से क्या क्या मैं बतला रहा हूं, यहां पर आप देखिए ध्यान से, ई से इमली, ई से इमली, है ना, ई से इमली दिखाई दे रहा है, इमली, हाँ, ई से इमली, और ई से इडली, देख रहे हैं ना, इडली प्लेट में जो है खाते हैं, है ना, ई से इमली, देख रहे हैं इमली, ये सब इमली है ना, ई से इडली, इडली खाते हैं, ई से इमृति, ई से इमृति, ई से इत्र, ई से इमली कितनी खट्टी, खाकर इसको बजती सीटी, खाकर इसको बजती सीटी। तो ये आपका ई से हुआ। अब हम लोगों को देखना है थ्री, प्यारे बच्चों इसको आप काउंट कर सकते हैं थ्री। तो जैसे हम यहां पर अब ए जो कर दिए, वन टू थ्री, देख रहे हैं ना थ्री है। अब यहां देख लीजिए आप, इसको काउंट करिए,
जो आपका बुक में कहता है आगे पीछे करिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए ऐसे, देख रहे थ्री 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 एलिफेंट्स, थ्री फिंगर्स है ना, थ्री सीप और थ्री वाटर मिलन है ना, और थ्री काइट है, उड़ाते हैं इसको पतंग को, थ्री अंडरस्टैंड है, इट इज थ्री। अब थ्री लिखेंगे कैसे, बच्चों को लिखाएंगे कैसे, तो देखिए बढ़िया से बैठाइए उसको और सही आपका डायरेक्शन होना चाहिए, गोद में बैठाइए और बैठाने के बाद में यहाँ से हाथ आप ऐसे चलाइए एकदम फ्री हैंड ऐसे, वाह। और बाकी पेज में उसको डॉट डॉट करने के लिए दे दीजिए, कुछ लिखाइए और कुछ डॉट डॉट करने के लिए दे दीजिए, इस तरह से डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट करके दे देंगे, जिस पर एकदम फ्री कुछ दूर तक आप हाथ ऐसे मूव कराइए ऐसे, थ्री देख रहे हैं थ्री, इस तरह से यहाँ से चलेगा ऐसे, वाह थ्री, इस तरह से हम लोग लिखते हैं है ना। तो ए हुआ, अब हम लोगों को लिखना है, तो थ्री हम लोग जान गए, अब सी इंग्लिश में हम लोग देखें क्या चीज, देखिए अलग अलग कॉपी में लिखिएगा, हिंदी के अलग कॉपी, मैथ के लिए अलग कॉपी और इंग्लिश के लिए फोर लाइन, हमेशा फोर लाइन कॉपी को ही हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में। देखिए सी है, देख रहे ना, एक ऐसे बना दीजिए, इसको ऐसे भाग भी दे सकते हैं बच्चे, इस तरह से ऐसे कलर कर देंगे सुंदर लगेंगे है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे आप बच्चों को कलर करा दीजिए तो बहुत अच्छा आएगा, देख रहे हैं वेरी गुड, इस तरह से। और मैं बोला था कि फोर लाइन यूज करने के लिए, तो फोर लाइन में वन टू थ्री, थ्री लाइन को ही यूज करेंगे कैपिटल लेटर लिखने के लिए ऐसे थ्री, देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, कर्व लाइन है इसको है ना, तो ऐसे फिर यहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से ऐसे, देख रहे हैं सी फोर लाइन है, मैं थ्री लाइन ऊपर वाला थ्री लाइन वन टू थ्री ऊपर से है ना, थ्री लाइन यहाँ से ऐसे कर देंगे इस तरह से, और यही यही तक करिए, और बाकी सब में बच्चों को डॉट डॉट ऐसे दे दीजिए थ्री लाइन में है ना, इस तरह से डॉट डॉट दे दीजिए, इस तरह से डॉट डॉट ऐसे कर दीजिए और बच्चे अपने लिखेंगे, ठीक है। आज मैं कलर पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ, और आप उसको कॉपी में जो है देखिए, यहाँ कलर पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या करना है, पहले ये इसको देख लीजिए, सी फॉर कैट पहले देख लीजिए, तब फिर मैं बताऊंगा ड्राइंग। तो सी फॉर कैट जो है ना, तो कैसे आप बच्चे जानते हैं कैट, देख लीजिए सी फॉर कैट, देख रहे हैं कैट प्रत्येक के घर में रहता है, सी फॉर वाटर कैट है ना, सी फॉर कैट, और सी फॉर कार, सी फॉर कार, और सी फॉर कब, देख रहे हैं कब, वेरी गुड कब, सी फॉर कब है ना, तो ए याद होना चाहिए कैट, सी ए टी कैट है ना। अब हम लोगों को कलर पहचानने के लिए बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जो इस तरह से जो मेन कलर है उसको आप जान लीजिए, अब ऐसे स्क्वायर बना दीजिए बच्चों को है ना, गए वो मैंने छह स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, बच्चों को कितने स्क्वायर बनाएंगे, छह स्क्वायर ऐसे कॉपी पर, अलग कॉपी पर जो ड्राइंग जैसा कॉपी हो, इस तरह से स्क्वायर बना दीजिए ऐसे ऐसे है ना, देख रहे हैं ना, और रेड पूरे को रेड से इसको एकदम, या तो मोम कलर यूज करिए, मोम कलर को बहुत अच्छा रहेगा, कौन कलर, मोम कलर, और बच्चों को कहिए कि इससे बाहर नहीं जाए है ना, इसके अंदर ही रहे, और पूरा बच्चे सुंदर ढंग से इसको जो है ऐसे ऐसे क्या करेंगे, पेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेंट करेंगे इस तरह से,
पूरा इसको पेंट करा दीजिए, है ना। बच्चे जो है सुंदर ढंग से पेंट करेंगे। कैसे पेंट कराना है ये सब उसको, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट, ये कलर का पेंट कराना है। जैसे कि मैं बुक में बता रहा हूँ ऐसे आप बच्चों को इस तरह से पेंट कराइए, और जिससे कि वो कलर पहचान सके कौन क्या है, रेड कौन है, येलो कौन है, ब्लू कौन है, ये सब कलर को आपके बच्चे पहचान सके। ये अपने से अगर पहचान जाता है कलर बहुत अच्छा है, है ना। तो और को किताब भी आ गया है, आप अलका बुक सेंटर में किताब आप ले सकते हैं, वहाँ से किताब जितना जल्दी लीजिए ले लीजिए, जिससे कि बच्चों को हेल्प हो सके और बच्चे अपने से लिख सके। थैंक यू।